नमस्कार, मैं हूं कुमार सौवीर और ये वक्त आ गया है दुलत्ती का। शुरुआत करते हैं नीलम से। नीलम का तो नाम सुना होगा आपने ना? अरे नहीं 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 नहीं, वह हम उस महंगे नीलम पत्थर की बात नहीं कर रहे हैं जो शनि राहु केतु की वक्र दृष्टि का कोप खत्म करने के लिए बड़े बड़े होटलों में अपनी खलवाट सफाचाट खोपड़ी लेकर बैठे और हजारों की उगाही कर रहे पोंगा धंधेबाज ज्योतिषी आपको डराने के लिए आपकी उंगली में अंगूठी में चढ़वा देते हैं। बल्कि हम तो उस बेनजीर और अद्भुत नीलम की बात कर रहे हैं जिसने मध्य उत्तर भारत में भय और आतंक बने डीपी यादव जैसे कुख्यात अपराधी और नराधम खानदान की ईंट से ईंट बजा डाली थी। नीलम यानी नीलम कटारा, याद आया आपको? नीलम ने ही डीपी यादव की आसमान से भी ऊंची सल्तनत को तहस नहस कर दिया था। आपको बता दें कि नीलम कटारा के 25 साल बरस के बेटे नीतीश कटारा से डीपी यादव की बेटी थी भारती यादव, वो प्रेम करती थी, लेकिन अपने अहंकार से और जाति दर्प को लेकर के चूर डीपी यादव के दोनों बेटों से ये सहन नहीं हुआ और उन्होंने अपनी बहन भारती यादव से नीतीश कटारा के साथ जो प्रेम चल रहा था उससे नफरत करने किया उसने, और बिल्कुल मध्ययुगीन बर्बरता का निशंस व्यवहार करते हुए गाजियाबाद में सन 2000 की बात है, वहाँ नीतीश कटारा का अपहरण किया उनके दोनों भाइयों ने, उसको मार डाला। नीतीश का अपहरण उस समय किया गया जब भारती एक और ये दोनों एक शादी में थे। उस समय भारती के भाई विकास यादव और विशाल यादव ने उनका अपहरण किया था और उसका टुकड़े टुकड़े कर डाला था। तीन साल पहले ही सर्वोच्च न्यायालय ने हत्यारे विकास यादव और विशाल यादव को 25-25 साल की कैद की सजा दी। तो ये है असल देवी जो मातृत्व की प्रतिमा भी है और सिंह वाहिनी दुर्गा भी है। यही कभी देवी रचंडी बन जाती है तो कभी दुश्मनों का खून पीने के लिए लपलपाती जीव वाली काली बन जाती है। कहने की जरूरत नहीं कि हम में से अधिकांश लोग ऐसी देवी को केवल सुन और देख करके तसल्ली कर लेते हैं नवरात्र में खास तौर पर, लेकिन जब नवरात्र में स्त्री के विभिन्न रूपों की को पूजने की बात होती है तो हम ऐसी देवियों को भूलकर घास फूल और मट्टी से बनी बेजुबान मूर्ति पर अपनी श्रद्धा सौंप देते हैं। उसे कुछ इस तरीके से सजा धजा देते हैं कि वह अपनी बेजुबान देवी लाख चाहे तो भी कुछ नहीं कर सकती। हम कन्याओं का पूजन और उसको भोजन तो कराते हैं, लेकिन समाज की जुझारू देवियों के हाथ मजबूत करने के सवाल पर हम कन्नी काट लेते हैं। दोस्तों, इन जीवंत और जुझारू देवियों का जयकारा लगाने के बजाय हम जय माता दी का झूठा उद्घोष करते हैं जिसका हश्र हमेशा गंदे और प्रदूषित नालों तालाबों और नदियों में ही होता है। हम विसर्जन कर देते हैं उस प्रतिमा का। तो आइए हम आपको कुछ ऐसी दुर्दृष्ट महिलाओं से मिलवाते हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन ही न्याय के लिए भस्म कर दिया, भस्मभूत कर दिया। वे बुद्ध की तरह सजती नहीं है उन देवियों की तरह जो नवरात्र में हम आप करते हैं, बल्कि आम आदमी को न्याय दिलाने के लिए अपने शरीर और सौंदर्य को भी नष्ट कर देती हैं जो उनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। पहले वो सौंदर्य की प्रतिमा हुआ करती थी, लेकिन जब उन्होंने अपना संघर्ष आम आदमी के लिए या अपने परिवार के लिए किया तो उन महिलाओं ने अपना सारा कुछ सौंदर्य होम कर दिया। अधिकांश की तो जवानी खत्म हो गई, कोई मर गई, कोई झुर्री किसी की झुर्रियाँ लटक गई, कोई विक्षिप्त हो गई और कहीं मर गई। हमारा समाज इन महिलाओं को सम्मान देने से लगातार हिचकता रहता है, ये शर्म की बात है हमारे समाज के लिए। ऐसी ही एक शिक्षिका कटोरी देवी थी जिन्होंने लखनऊ के विधानसभा के सामने पूरे 19 बरस तक धरना दिया और भूख हड़ताल किया। सरकारी स्कूल में शिक्षिका थी कटोरी, उनके साथ तक गांव के कुछ लोगों ने बलात्कार किया तो उन्होंने अपराधियों के खिलाफ बिगुल भेजा दिया। नतीजा यह हुआ कि उनके साथ फिर कई बार रेप हुआ, नौकरी उनकी छीन ली गई, अफसरों ने उनको प्रताड़ित किया, जेल में भेज दिया गया, मगर कटोरी देवी का हौसला उन्हें लखनऊ के विधानसभा तक पहुंचा गया। सरकार और पुलिस की गालियां और लाठियां भी सहन की कटोरी ने। विधानसभा में कई बार सवाल उठे कटोरी का, लेकिन सरकार कान में धूल भरे रखती। के बाद जब उसे न्याय तब मिला जब रिटायरमेंट में उसे केवल 2 दिन बचे थे। लेकिन कटोरी देवी के नाम का जयकारा कभी भी नवरात्र के भक्त नहीं लगाते हैं। गांव के 2 दर्जन से ज्यादा
ठाकुर ने जब फूलन देवी के साथ कई दिनों तक सामूहिक बलात्कार किया तो फूलन ने बंदूक उठा ली और बीहड़ की डाकू रानी बन गई। उस एक दिन उसने उन सभी बलात्कारियों को लाइन में खड़ा किया और गोलियों से खून डाला। बाद में फूलन राजनीति में आई और सांसद बन गई, लेकिन इसी बीच फूलन की गोली मारकर हत्या कर दी गई। लेकिन हमने कभी भी देवी के तौर पर नहीं देखा फूलन को। निधि शुक्ला का नाम दे सुन लीजिए। निधि शुक्ला का नाम सुनते ही अमर मर त्रिपाठी और उनका पूरा खानदान पेशाब कर मारता है अपने कपड़ों में। कई बार के विधायक रहे, मंत्री रहे अमर मर त्रिपाठी, उनकी पत्नी ने निधि शुक्ला की गर्भवती बहन मधुमिता शुक्ला की बेरहमी से हत्या की थी। आज यह पूरा का पूरा खानदान आज इसी आरोप में जेल में बंद है। बीपी यादव की तरफ अमर बड़ी भी अपराध से सना हुआ है, लेकिन निधि शुक्ला ने इनको इन हत्यारों से डर नहीं लगता। उसने अपने जीवन के करीब 18 वर्ष अपनी बहन के हत्यारों को सजा दिलाने में खर्च किए हैं बिना किसी खौफ के, और निधि का यह संघर्ष आज भी जारी है। लेकिन हम लोग जब नवरात्र के दिनों में निधि शुक्ला का नाम कभी नहीं लेते, हमें हिचक लगती है। हम तो डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल का नाम भी नहीं लेते, जिनकी बेटी मनीषा मासूम थी उस समय 7 साल की, 40 साल पहले एक सड़क दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। मनीषा के नाम पर उन्होंने एक समाज के निराश्रित बच्चियों को गोद में लेकर एक मनीषा मंदिर नामक एक संरक्षण गृह स्थापित किया। इन 40 वर्षों के दौरान सरोजनी अग्रवाल ने हजारों मासूम बच्चियों को पढ़ाया लिखाया, उनके पैरों पर उनको खड़ा किया, मजबूत किया। लेकिन अचानक ही एक दिग्गज महिला अफसर ने मनीषा मंदिर पर वज्रपात कर दिया। शर्मनाक बात तो यह रही कि समाज के लिए जूझती रही जीवन भर, वो 87 साल की हो चुकी हैं सरोजनी अग्रवाल, को केवल इस आरोप में अभी 6 महीना पहले ही लांछित कर दिया गया कि उस मंदिर में बच्चियों के साथ घरेलू काम कराया जाता है। जबकि मनीषा मंदिर से जुड़े हुए लोग बताते हैं कि यहाँ बच्चियों को बेटी के तौर पर के पाला जाता था और इसकी निगरानी करती थी डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल। कुछ ऐसा ही हुआ देवरिया के महिला संरक्षण केंद्र में, संचालित कर रही थी उस केंद्र को गिरजा तिवारी। एक साजिश के तहत यौन शोषण के फर्जी आरोप में उनको सपरिवार जेल ठोंस दिया। आरोपों के अनुसार इस साजिश को तब के कप्तान रोहन पी कनई ने अमली जामा पहनाया। तब बताया गया कि यह कप्तान यूपी की एक वरिष्ठ आईएएस अफसर के इशारे पर डीजीपी ओपी सिंह के निर्देश पर यह पूरी बनावट कर रहा था, एक फर्जी कहानी बनाई उसने। लेकिन इससे भी हैरत की बात यह है कि घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गिरजा तिवारी को निर्दोष बताया, उन्होंने बताया कि अपनी जांच में हम बिल्कुल निर्दोष पाए हैं। लेकिन इसके बावजूद तिवारी का खानदान आज भी जेल में सड़ रहा है। लेकिन एक शर्मनाक मोड़ तो यह है कि खुद को एनजीओ के एक संघर्षशील केंद्रीय संगठन के महामंत्री बनाने वाले एक महामंत्री अरविंद मिश्र को जब एनजीओ को लेकर के सवाल पूछा गया तो उन्होंने गोलमोल जवाब देना शुरू कर दिया। संघर्ष की कहानी तो बांदा और चित्रकूट के इलाके में गुंडागर्दी का जवाब बन चुकी संपत का भी है, जो यहाँ बदमाशों पर अराजक लोगों के पर गुलाबी गैंग के नाम पर टूट पड़ती है। लेकिन इस संघर्षशाली महिलाओं का साथ देने में हमारा समाज आगे नहीं आता। असल दुर्भाग्य तो इसी चेहरे का है जो हमारे समाज में है। ज्यादा दूर क्यों जाते हैं आप अपने आसपास भी ऐसी महिलाओं को देख लीजिए, लेकिन आप उनके योगदान का सम्मान देने के बजाय उन्हें अपमानजनक और उपेक्षापूर्ण व्यवहार करते रहते हैं। चाहे वो अपने पैर पर खड़ी होने वाली महिला हो या कविता अथवा साहित्य से जुड़ी महिलाओं के प्रति हमारा ये व्यवहार बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और सबसे घृणित है। तो दोस्तों, हमारा अनुरोध है कि किसी प्राचीन पुराण गाथा पर अपना माथा टेकने के बजाय, अपना पैसा फूंकने के बजाय, एक जश्न निरर्थक करने के बजाय, बेहतर ये होगा कि हम समाज में जीवंत और संघर्षशील महिलाओं देवियों का गुणगान करें, उनके हाथ मजबूत करें, उनको साहस दें, ताकि वो हमारे साथ लगातार समाज में आगे समृद्ध करते रहें। आप पाएंगे कि ऐसा होते ही नवरात्र का उद्देश्य बहुत जल्दी ही अपने पूरे समाज का उद्धार कर देगा। अपनी पत्नी को तो आप शायद उतना सम्मान नहीं दे पाएंगे, समाज के हमारे बड़ी विडंबना है, लेकिन अपनी बेटी और बहन को तो आप मजबूत कर ही सकते हैं। शुरुआत कीजिए दोस्तों, दौलत आपके साथ हमेशा कदम ताल करता रहेगा जैसे आज।
तो इसी के साथ दौलती और कुमार सबीर को इजाज़त दीजिए, अगली बार फिर किसी दूसरे मसले पर किसी दूसरे लोगों के साथ और दूसरे स्थान पर हम फिर हाजिर होंगे। बस आपसे गुजारिश करती इतनी है कि अगर हमारे दौलती कुमार सबीर के चैनल को का कंटेंट आपको पसंद है तो उसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए और लोगों को बताइए कि दौलती ऐसे लगाई जाती है।